फरीन भाई, ले आया तुम्हारी पसंदीदा गरम गरम बिरयानी और कबाब। कोई आया था क्या? नहीं। तो फिर ये सामान कैसा है? मैं घर से लेकर आई हूं। मतलब अपने घर से? और कितने घर हैं मेरे? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि जितना तुम्हारी अम्मी गुस्से में थी, उस पर उन्होंने तुम्हें घर आने दिया और ये सब ले जाने दिया। किसी की इतनी मजाल नहीं है कि मुझे मना करे। हाँ, वो सज्जल थोड़ी बातें बना रही थी कि मैंने उसको बोल दिया भाई मेरा जहेज है, मेरे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फिर तो ठीक ही किया, बस एक तरह हिसाब भी बराबर हो गया। हिसाब? कौन सा हिसाब? मतलब कि तुम्हारा हक था ना ये जो तुमने ले लिया, वरना तुम्हारी अम्मी ने तो बड़ी चलाकी से हमारी पसंद की शादी की आड़ में तुम्हें खाली हाथ ही चलता कर दिया था। समीर, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहेज के नाम पर तुम्हें पूरा ट्रक भेज चुकी हूं मैं भरकर सामान का, याद है ना? फिर तो साले आंटी को तुम्हारी इस कारनामे की खबर हो गई होगी। नहीं, मम्मी को पता चलता ना तो मेरे हलक से निकलवा लेती हूँ सामान। खैर छोड़ो ये सब। समीर, मैं यहाँ नहीं रह सकती इस तरह। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में कोई सामान ही नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, किचन में किचन की चीजें नहीं है, कैसे रहूं मैं यहाँ पर? हाँ, तुम वो अपने बिजनेस पार्टनर से बोलो, वो तुमको 3-4 लाख रुपए तो दे, ताकि हम जाकर शॉपिंग तो करके आए घर के लिए। 3-4 लाख? हाँ, तो घर की हालत देख रहे हो, कुछ नहीं है यहाँ पर। खाना खाने जाओ तो प्लेट्स तक तो है नहीं, सामान तो खरीदना पड़ेगा ना। तुम्हें खुद नहीं समझ में आता?